हो जाए तो अपना भाई अपना दोस्त समझकर माफ करना। सबसे पहले मैं निवेदन चाहूंगा कि देखो ग्राम, मैं धन्यवाद देता हूं यहां की भिलट बाबा समिति को जो एक नंबर का करती है काम, जिन्हें अमरावती जिले में रोशन कर दिया है ग्राम भोपड़ो का नाम। आज बड़ी खुशी की बात है जो उनने भिलट बाबा का मेला बड़ा उत्सव से लगाया है और आपकी सेवा में हमारी पार्टी समर्थित है। बोलो मैडम। हेलो। तो हाँ साहब, आपके सामने कार्यक्रम पेश करने जा रही हो, कृपया कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो कहना क्या है मेरो? क्या बात है? तो जिनके हाथों में लगी जाए अलीगढ़ वाला सवामनी वाला जो मैया जी की ताली ना बजाए। क्या
जो मैया जी की ताली ऐसा हाँ क्या बात है एक बार नाच दो यार। हाँ नाचती हूँ ना। पहले ताल बजा दो भैया। कुछ बोलना चाहती हो मैडम? चलो नाचो। नंदलाल ढांडे के यहाँ से 50 रुपए का बख्शीश दिया गया है। जो भी भाभी मुझे दिल से जाता है आकर अपना पैसे लीजिए आइए। थैंक यू। हेलो। हाँ हमारे पंचायत सदस्य उन्हीं द्वारा इनकी ओर से 10 रुपए नजर होते हैं। हमारे डांसर जिसका नाम है मेलघाट क्या निमाड़ में चलता है उसके नाम राकेश भाई उनको 50 रुपए दिए हैं। फिलट बाबा उनकी मनोकामना को पूरी करे और जाटू बाबा उनका भंडार भरपूर रखे। उनका मैं बार बार शुक्रिया हमारे कालूराम भाई राजपुरा उस सज्जन की ओर से 50 रुपए मिले हैं हमारे डांसर को और उनके गाने के बोल है मुकुड़ा चांद का टुकड़ा। गा देंगे भैया थोड़ी देर बाद। पप्पू जी कहना क्या है? क्या कहना है? अपन कहाँ पर आए हैं? अपन भिलट बाबा के भिलट देव के स्थान पे आए हैं। बाबा तो कहना क्या है मेरा? क्या है भाई? हा
मुआ फिलक देओ का दर्शन पाए क्या हो गया भाई? मेसी बोल रही हो कौन? अरे हार चले फूल चढ़े होड़े चढ़े मेवा भैसी हमरी बुदी गई तो काली चाय पेवा बस। अरे देवो मारी चीची ना देवो मारी काकी याद आये माँ धर्मी चेले याद आये माँ पापी क्या बात है क्या बहुत लोग मारेगा तुम कहा क्यों हाँ हाँ मैंने असु कोई के आधा से धर्मी ना आधा से वो पापी आधा लोग पैसा दे आधा देता नहीं है तुम की मर्जी बिचारोगी अरे पहला नाम हमने गणपति का लिया एक घंटा होगा कोई ने ठेला भी नहीं दिया मेरे को कोई नहीं दिया यार कितना बदमाश है ये तो तेरा क्या है जब भी स्टेज कार्यक्रम देती हूँ ना तो ये पब्लिक को मैं थाम देती हूँ ये बता भाई ये पब्लिक क्या तेरे बाप की है क्यों रे मैं सेरसेरी बोल रही हूँ मारे ना भाई मैं सही में आज सुसु कर को नहीं आया नहीं तो देख ना हाँ ये कौन है वो मेरे छोटा भाई है ये इधर आ तू ही इधर आ भैया रिमोट पे लेना है तेरे को पहला मेरा हाँ अरे जब भी मैं स्टेज कार्यक्रम देती हूँ ना तो ये पब्लिक को मैं थाम देती हूँ क्यों जब भी मैं स्टेज कार्यक्रम देती हूँ तो ये पब्लिक को मैं थाम देती हूँ ए पप्पू तेरे जैसे शायर को तो मेरी साड़ी के बदलों में थाम देती हूँ बता भैया इतना बड़ा आदमी को साड़ी का पल्ला में बांध रहे हैं भाई तू अकल है कि नहीं है अरे मैं स्टेज पे आ गया तो तू स्टेज से नीचे उतर जाएगी अरे वाह मैं स्टेज पे आ गया तो तू स्टेज से नीचे उतर जाएगी और यहाँ का सरपंच साहब का लुगाई बन जा तेरी जिंदगी सुधर जाएगी ऐसे मैं चाहने वाले ऐसी और उनके तरफ से भी 21 रुपए दिए जाते हैं 11 रुपए दिए जाते हैं दोनों तरफ से ये बता ये क्या बोला रही तूने ये तेरा चाहने वाला है कि तेरे को चाटने वाला है चाटने वाला
चाकने वाला है ये देख मेरा भाई मेरे को दे चौकड़ी सरपंच साहब की ओर से 100 रुपए मिले हैं सर क्या बोला था तूने मैंने बोला था हाँ मैं स्टेज पे आ गया तो तू स्टेज से नीचे उतर जाएगी अरे वो और यहाँ का सरपंच का जपाई बन जा तेरी जिंदगी सुधर जाएगी अरे मैं कभी स्टेज पे आ गई तो तू स्टेज से नीचे से मुझे देखेगा मैं कभी स्टेज के ऊपर आ गई तो तू स्टेज से नीचे से मुझे देखेगा अरे वो सरपंच की लुगाई बन जाओगी तुम फिर क्या तो घुटने सेकेगा अरे मैं घुटना सेकूंगा तो उसमें भी मेरा फायदा होगा कैसा और तू सरपंच के जी घर में जाएगी तो मेरे को सरपंच तरफ से एक कॉलोनी मिल जाएगा लगाता है मैं स्टेज पे आती तो सामने से मुझे लाइट भी शेड करते हैं ए टप्पू तुम ये जानता नहीं लोग मुझे महाराष्ट्र की शांता बाई कहते हैं बता भाई हर 12 बजे दिन को शांता बाई यहाँ मरने को आया शांता बाई अरे अच्छे मौसम में भाई छो अच्छे मौसम में ये खटाई कहाँ से आ गई तो अच्छे मौसम में ये खटाई कहाँ से आ गई अरे और दिन में तो ये रजाई थी मगर ये चटाई कहाँ से आ गई मुकाबला मेरा ईश्वरीय राय से था मगर ये शांता बाई कहाँ से आ गई दवाया के बाद चौकड़ी पास कौन भाई का इसका चौकड़ी पास अरे मेरे जवानी में क्या जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है बाकी लोग क्या बिगड़ जवानी के वाह नहीं जवानी भी क्या जवानी जैसे दिल्ली राजधानी है अरे कई हुस्न के समुद्र में डूब गए पप्पू पर किसने पता नहीं लगा कि खंडवे जिले वाले में कितना पानी है अरे रात भर के लिए तूने कपड़े पहने अच्छा रात भर के लिए तूने कपड़े पहने तू कुड़िया जाफानी है तेरी समुंदर का नाम तो ले लेता मगर उसमें बूटों का तालाब का पानी है ये तालाब देखने कितना बड़ा है ये मुझे लगता है कि मुझे डरा लेंगे क्या करना है ना जाने किसी को
दिखा देते हैं। हाँ सुनो सुनो, आगे मुर्तू गाँव में 18 साल का लड़की और 21 साल का। हाँ साहब, हमारे बेहद तरफ से 21 रुपए दे जाते हैं, खिलाफ दे उनकी कमाई में बरकत दे, उनका बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। वो दादा अरे तेरे को मालूम नहीं, बिना बुरको से चल रहा यार, मैं क्या पीठा जतरा, वो जतरा गया वहां से आया मुनी खेड़ा जतरा, वहां से निकला धामा बुलाई, धामा बुले में छापा गोडा दिखा मेरे मुला दादा यार, वहां एक लड़की ऐसा पसंद आया मुझे, जा तू मेरे को उसको जमा, और उसका बाप का घर का गांव का नाम है कोटू, तो घर है कोटू बाप का नाम। हाँ, ठीक है, ये बेटा देख मुझे लग जाएगा। हाँ, वो दादा लड़की होना तो वही होना, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। देख बेटा अभी समय ज्यादा भी हो रहा और अपना दूसरा पार्टी आना भी है, इसलिए अपने को जल्दी जल्दी शॉर्टकट में निपटाना है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, तूने मेरा इज्जत रखा, कैसे लड़की नहीं भगाया, और वो लड़की भी जिसको तूने पसंद नहीं किया वो भी घर घुसी नहीं गया, उसने भी अपना माँ बाप का इज्जत रखा, तो बेटा तेरा ब्याह मैं धूमधाम से करेगा। वो दादा घोड़ा और बीची लाना थी। हाँ साहब बिल्कुल, लेकिन एक दे तो खाने का आटू ना काम का काम हो आलो पूरा खिचड़ी तो मैंने नागर किया, आटा उनकी बहुत तो मैंने बोया ना यार। हाँ ठीक है ठीक है, अरे अरे राम राम समझी, राम 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 भाई का राम राम। हाँ साल हो गया सगाई का, अभी तक का तेरा पता नहीं। अरे समझी, हाँ बीच में कोरोना आ गया, वो चले गया। हाँ बाद में मेरा लड़का का ठीसी में उम्र देखा तो उम्र थोड़ा कम हो गया, इसलिए अब रुक गया, अब उसका उम्र बराबर 21 का होगा। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है समझी, क्या लोग बोलता है कि भाई मनन भाई धुनी वाला बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। अरे तुमने दूसरा का मुंह से सुना समझी, हाँ तेरा परापटी क्या है? आला समझी, ये बात लड़की का एक बार शादी होता, बार बार तो नहीं, अपना सगाई हो गया, आप पूछ रहे मेरा परापटी, मेरे पास एक भी पटपटी नहीं है। अरे पटपटी वाला बात नहीं है समझी, हाँ तुम्हारा जमीन जायदाद, जमीन जायदाद। हाँ देख, एक जोड़ी का भैंस, बाबा 25 बकरी, बाबा 50 बेखे, हाँ 75 गैया, अच्छा 100 मुर्गी, अच्छा 125 मुर्गी का अंडा, हाँ दुकान में चलता यही मेरा धंधा। हाँ ये तुम्हारा प्रॉपर्टी हो गया। हाँ अरे पिताजी, हाँ अपने घर में कौन आया? वो तेरा सुसर प्रचरू। हाँ अभी क्या बोल रहे? अरे भते लंबा चौड़ा बात दे रहे भाई। हाँ बोले एक जोड़ी का बैल, 50 अच्छा। जमीन, हाँ 50 बिक्की, हाँ और 125 मुर्गी का अंडा, अच्छा वो जमीन करता वही धंधा। अरे पिताजी, हाँ और सब जान दो, हाँ उनके घर लेटरिन बाथरूम होगा तो शादी करेगा, नहीं तो शादी कैंसिल। ये बात सही बोला बेटा। हाँ आके पूछना पिता। ओ समझी क्या गया काम से, पर बेटी एक बात है खड़ा हो।